सो हे फ्रेंड्स हेलो मैन असलम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग विद फर दोस सो फ्रेंड्स आज है संडे और आज मेरी छुट्टी है ये हो गया है अमायरा के डेडी का नाश्ता रेडी और अमायरा का भी नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है अमायरा नाश्ते में जो है चाय पाँव खाती है बट चाय तो वो बिल्कुल ही नहीं पीती है नाश्ते के वक्त खाने के वक्त बात नहीं करती अब अमायरा को नाश्ता करा के मैं पहुंच चुकी हूं हॉल में और यहां पे दादी जो है सब्ज़ी कट कर रहे हैं क्योंकि आज संडे है और सभी लोग घर में हैं और घर में काम भी चल रहा है तो हमने सोचा आज हम बटर चिकन बनाएंगे और दादी जो है बटर चिकन खाते नहीं हैं सो बटर चिकन बनाने के लिए सबसे मैंने सबसे पहले मैंने सारे हरे मसालों को पीस लिया है अब यहाँ पे मैंने एक किलो चिकन लिया है उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और अब हम जो है चिकन को मैरिनेट करेंगे अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट जो है मैंने बना लिया है अब मैरिनेशन uh, में हम यहाँ पे तकरीबन तीन चम्मच जो है इस पेस्ट को ऐड करेंगे अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ किसी भी ब्रांड का चिकन टिक्का मसाला आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा बिकॉज टेस्ट बहुत अच्छा आता है यहाँ पे मैंने एवरेस्ट का यूज़ किया है आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज ऑरेंज फूड फूड कलर। कलर ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे नमक जिसके बिना स्वाद अधूरा है तो नमक यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है आप अपने हिसाब से ऐड करें सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें अब हमें क्या करना है ना ये जो चिकन है हमें इसे अच्छी तरीके से पकाना है तो पकाने के लिए हमें तेज़ आंच पे सबसे पहले तो इसे बॉईल होने देना है और जब बॉईल होना शुरू हो जाए तो आप इसे धीम आंच पे 20 से 25 मिनट पका लें अब देखिए यहाँ पे मम्मी एक तरफ तरकारी बना रहे हैं दादी के लिए और मैं जो है बटर चिकन के लिए चिकन को कुक करने जा रही हूँ सो हम कर लेते हैं गैस को ऑन और चिकन को हम रख देते हैं इसके ऊपर और जब चिकन अच्छी तरीके से तेज़ आंच पे जब हम इसे रखेंगे जब ये बॉईल होना शुरू हो जाएगी तो हम इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 15 से 20 मिनट पका लेंगे अब चलिए मैं आपको बताती हूँ मसाला कैसे प्रिपेयर करना है बटर चिकन के लिए यहाँ पे मैंने दो टमाटर जो है कट कर हैं बारिक -बारिक। लिए हैं बारीक बारीक और डायरेक्टली मैं इसे मिक्सी जार में ही आ, कट कर रही हूँ क्योंकि सारे मसाले हम इसी में ग्राइंड करेंगे अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही ये देखिए इतनी कटोरी में ही मैंने दही ली और इसे मैंने ऐड कर दिया पूरा अब जो मसाला हमने ऐड किया था टिक्का मसाला मैरिनेशन में उसी मसाले को हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा और जो मैंने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन मिर्ची का वो यहाँ पे मैं डेढ़ चम्मच ऐड करूँगी जबकि मैरिनेशन में मैंने जो है तकरीबन तीन चम्मच ऐड किया था अब यहाँ पे हल्का सा पीसा गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ देखिए अब बटर चिकन बना रहे हैं तो काजू तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो मैंने थोड़ा काजू बचा लिया है बिकॉज़ काजू बहुत महंगे हैं <laughs> लेकिन काजू ज़्यादा डालिएगा क्योंकि बटर चिकन में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट होता है ना वो काजू का आता है और सॉस का आता है सॉस हम बाद में ऐड करेंगे तो ये सारे मसालों को हम सबसे पहले अच्छी तरीके से पीस लेंगे और ये जो मसाला है हम इस्तेमाल करेंगे बटर चिकन के मसाले के लिए देखिए कुछ इस तरीके से आपका मसाला जो है रेडी हो जाएगा अब हम इस मसाले को जो है कोई भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे अब चूंकि इसमें काजू है तिक्का मसाला है दही है तो ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है काजू की वजह से तो पानी डाल दें जार में जितने भी मसाले हैं सबको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से ले लें मिक्स कर लें और हम इस मसाले में इसे भी ऐड कर देंगे कोई भी मसाला हमें वेस्ट नहीं करना है तो देखिए ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी से हमारा पूरा बटर चिकन का मसाला जो है बनने वाला है तो चलिए अब ये हो जाने के बाद आपने क्या करना है ना एक से डेढ़ प्याज जो है आपको इसे अच्छी तरीके से काटना है और पीस लेना है कुछ इस तरीके से अब हम तेल गरम होने रख देते हैं चिकन हमारी धीरे धीरे पकती रहेगी जब तक के हम बटर चिकन का मसाला रेडी कर लेते हैं देखिए तेल तो गरम हो चुका है अब जब तेल गरम हो जाए अच्छे से तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और बटर चिकन का मसाला तो बटर चिकन का मसाला ऐड कर देंगे और फिर हम जो है प्याज ऐड करेंगे अब चाहे प्याज आप पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें वो आपके ऊपर है सारे मसाले हमारे कच्चे हैं ठीक है ना तो हमें सबको अच्छी तरीके से भूनना है और मैंने इसलिए ढक दिया क्योंकि वो थोड़ा उड़ने लगा था ठीक है अब इस मसाले में हम ऐड कर देंगे ऑरेंज और फूड कलर फ़ूड कलर आप अपने हिसाब से मतलब ऐड कीजिए जैसा हम देखते हैं ना कि बटर चिकन का कलर जो होता है बहुत ज़्यादा रेड नहीं होता है तो कलर हमें इतना ही डालना है जितना कलर का जो कंस मतलब कलर प्रॉपर एडजस्ट हो जाए ज़रूरी नहीं है मैंने जितना डाला है उतना आपको डालना है ठीक है अब ये सारे मसाले अच्छी तरीके से उस वक्त तक भूनेंगे जब तक हमारे मसाले जो है तेल नहीं छोड़ देते आप देख सकते हैं तेल छोड़ दिया है मसाले ने यानी हमारा बटर चिकन का जो मसाला है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है देखिए अब चिकन भी हमारी हो चुकी है तो चिकन को सबसे पहले हमें रोस्ट करना है देखिए बहुत सारे लोग चिकन बॉईल करने के बाद ही उसको क्या करते हैं श्रेड करके डाल देते हैं उससे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है अगर मेरी मानो तो सबसे पहले चिकन जब आपकी पक जाए ना तो उसे फौरन रोस्ट कर लो अब मैंने यहाँ पे रोस्ट करने के लिए क्या किया हुआ है गैस के ऊपर मैंने आपके पास स्टैंड होगा जैसे आप अगर बेकिंग करते होंगे तो मेरे पास मीडियम स्टैंड था मैंने उसे गैस पे रखा और सारी अपनी जो चिकन थी जिसे हमने कुक किया था उसे जो है यहां पे स्टैंड पे रख दिया अब धीरे धीरे ये चिकन जो है गैस पे रोस्ट होगी ठीक है ये सारी चिकन जो है आ गई है एक ही साथ तो जैसे जैसे ये होती जाए आप इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर करना शुरू कर दें ये देखिए मैंने इसे ट्रांसफर कर लिया है अच्छी तरीके से रोस्ट करना है उसके बाद ही हमें इसे श्रेड करना है तो जब आप बटर चिकन खाएंगे ना तो आपको खुद ही मतलब बहुत ही अच्छा एक स्मोकी टाइप का आपको टेस्ट आएगा आपको डायरेक्टली चिकन को श्रेड नहीं करना है बहुत से लोग वैसे भी बनाते हैं बट उसे टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है सो थोड़ी सी मेहनत है गाइज़ आप ये कर लें तो बटर चिकन में और मतलब चार चांद लग जाएगा देखिए अब ये लास्ट बैच है मेरा और सारी चिकन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से रोस्ट कर ली है आप देख सकते हैं अब हमारा मसाला जो है तेल देखिए छोड़ना शुरू कर चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे टू फिफ्टी फ्रेश क्रीम फ़्रेश क्रीम भी ज़रूर ऐड करिएगा बिकॉज जब हम नॉर्मल सालन बनाते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी और बटर चिकन की कंसिस्टेंसी में बहुत फ़र्क होता है बटर चिकन जो होता है हल्का गाढ़ा होता है नॉर्मल सालन के कंपैरिजन में सो so, आपको यहाँ पे 250 फिफ्टी फ्रेश क्रीम ज़रूर से ज़रूर ऐड करना है देखिए बटर चिकन में काजू और सॉस uh, और ये फ्रेश क्रीम यही सबका जो मतलब टेस्ट होता है ना काफ़ी अच्छा होता है बटर चिकन सो फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि कलर बहुत मध्यम हो गए किसी भी चीज़ में आप अगर फ्रेश क्रीम ऐड करें ना तो कलर जो है थोड़ा तो डल हो जाता है सो so टेंशन की कोई भी बात नहीं है और हमें पता है कि बटर चिकन का कलर ऐसा नहीं होता है ठीक है ना तो हम बाद में इसको एडजस्ट करेंगे पहले आप इसे अच्छी तरीके से पका लीजिए देखिए कंसिस्टेंसी आपको गाढ़ी लगेगी बाद में हम इसमें पानी डाल के जो है इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अब हम इसमें क्या करेंगे ना हम इसमें सॉस ऐड करेंगे देखिए ये एक कटोरी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सॉस ऐड किया है सॉस डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप इस्तेमाल किया है इसे आप ज़रूर डालें टेस्ट अच्छा होगा देखिए अब मैंने इसमें तो हल्का सा मस्का ऐड किया है ताकि जब हम इसे मसाले को ढक के पकाएंगे तो तरी काफ़ी अच्छी होती है ठीक है ना सो so, देखिए हमने ढक कर पंद्रह से बीस मिनट मसाले को पकाया फ्रेश क्रीम डालने के बाद और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड फूड कलर ठीक है रेड फूड कलर आप ऐड करें और उसके बाद चिकन को मैंने कुछ इस तरीके से श्रेड कर लिया था रोस्ट करने के बाद तो आप वो भी जो है उसके अंदर ऐड कर दें अब ये देखे जब हमने चिकन को पकाया था तो कुछ मसाले नीचे रह गए थे किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है तो इसमें पानी डाल के मैं इसे अपनी ग्रेवी में जो है ऐड कर दूँगी क्योंकि मैरिनेशन के ही मसाले हैं जो पके हुए थे देखिए कलर हमारा काफ़ी अच्छा आ चुका है कलर मैं बार बार कह रही हूँ ऑरेंज फूड कलर और रेड फ़ूड कलर मैंने इस्तेमाल किया है ठीक है ना ये देखिए काफ़ी अच्छे से बॉईल हो रही है हमारी ग्रेवी और इसे ढक के ही हमें पकाना है एक तरफ मैंने कोयला जो है उसे गर्म होने रख दिया है यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है किसी भी कटोरी में आप फॉइल पेपर डाल दें तो ये शेप हो जाएगा अब 15 से 20 मिनट जो है पकने के बाद ये देखिए हमारी ग्रेवी काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रही है कि तेल भी छोड़ दिया है और ग्रेवी भी अच्छी तरीके से खोल चुकी है तो अब हम इसे जो है कोयले की बघार दे देंगे कोयला अच्छी तरीके से गर्म करना है जो हमने फॉइल पेपर की कटोरी बनाई है उसे सबसे पहले ऐड कर देना है है ना अब इसमें हम क्या करेंगे देखिए कोयला मैंने पहले से ही ऐड कर लिया इसमें अब हम इसमें घी या तेल कुछ भी डाल देंगे और फटक से जो है ढक्कन लगा देंगे और पंद्रह से बीस मिनट आप इसे ढके ही रहने दें ताकि कोयले की जो बघार है वो अच्छी तरीके से बटर चिकन में चली जाए तो चलिए 15 से 20 मिनट बाद हम देखते हैं मैंने थोड़ा सा और बटर ऐड किया हुआ था मैं आपको बता दूं और अब मैं से फ्रेश क्रीम जो थोड़ी बची थी उसमें पानी डाल के मैंने इसे हल्का हल्का जो है गार्निश कर दिया है और मैंने कोतमीर भी इसमें ऐड कर दी है गार्निशिंग के लिए आप देख सकते हैं कलर एकदम परफेक्ट है कंसिस्टेंसी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ देखिए सब पहले अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर लेते हैं है ना सो so, आप देख सकते हैं कलर जो है बटर चिकन का वो फुल रेड नहीं होता है कहीं कहीं पूरा रेड होता है कहीं कहीं ऑरेंज रेड होता है तो ये देखिए माशाल्लाह से कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी भी नहीं है बहुत पतली भी नहीं है देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और बहुत ही डिलीशियस सा लग रहा है और आई uh, होप सबको पसंद ही आने वाला है देखिए अबू ने बाहर से पराठे लाए हुए थे जैसे कि मैंने कहा घर में कंस्ट्रक्शन का काम है तो पराठे हमने घर में नहीं बनाए सो so फ्रेंड्स है ना ये बहुत ही झटपट और आसान और बहुत ही अमेजिंग डिलीशियस सी रेसिपी बड़ा चिकन सो so आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और मेरी गारंटी है बहुत अच्छा बनेगा सो so फ्रेंड्स खाना पीना हो चुका था और हम पहुंच चुके थे दादर येस yes, मैं और अमायरा के डेडी गए थे दादर जैसे कि आपको पता है कि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हम अपने कब्ट के लिए सनमाइका चूज़ करने गए हुए थे और ऐसे ही फ्रेंड्स पूरा दिन निकल गया शाम हो चुकी हमें घर पहुँचते पहुँचते हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हमें क्या लेना है क्या नहीं सो so, फाइनली हमने uh, कुछ uh, इस तरीके का सनमाय का ये देखिए uh, ये वाला ये वाला हमने जो है डिसाइड किया है अब देखते हैं ये वाला लगता है या नहीं सो so, फ्रेंड्स अब मैं पहुँच गई हूँ घर और कर लेते हैं अमायरा से थोड़ी गपशप सोने से पहले ये है मेरा सुकून माय बेबी माय बच्चा गुदगुदी मत करो गुदगुदी नहीं करो छू छोड़ो ना तो वैसा तो पड़ेगा मैं मिशा के पास पैकेट के दिखाओ मैं देला इनको तो एक किसी दे दो एक किसी दे दो एक किसी दे दो ना तो नहीं आपको दिखाती हूँ बोली थी ना मामा सो जाएगी मामा उठो उठो मामा स्कूल के जैसे उठाना। सो फ्रेंड्स संडे हो चुका है खत्म और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी और नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय अल्लाह हाफिज एवरीवन।